कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा आज ही ध्यान लग जाए। कुछ बुजुर्ग मेरे पास आते हैं कि एक हफ्ता हो गया ध्यान करते हुए, ध्यान नहीं लग रहा। मैंने कहा क्या महसूस होता है जी? महसूस क्या होता है, बैठते पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। ध्यान कभी पैर में कभी हाथ में, क्योंकि वो उनका जो समय था भजन का वो निकल चुका। ये नहीं कि उनको परमात्मा नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन थोड़ा शरीर को कष्ट ज़्यादा होगा। लेकिन जो युवा हैं इनकी आयु काफ़ी समय है उनके पास, शरीर भी स्वस्थ है, सब प्रकार के साधन भी मौजूद हैं, तो वो लोग ज़्यादा समय लगा सकते हैं। और जब तक वो समय आए तब तक वहाँ पहुँच चुके होंगे। कुछ लोग साधनाएं के लिए आते हैं, जब साधना का जिक्र आता है टिकना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप कुछ भी ना करें केवल ध्यान करें, आप ना गुरु बनाएं ना कोई और पूजा पाठ करें ना कहीं इधर उधर जाएं, बिल्कुल एकांत में रहें, कोई मानव से लेकर के दानव जीव जंतु कुछ भी आसपास ना हो, 12 वर्ष अगर आप ये साधना कर देंगे तो निश्चित ही आपको अनुभव हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, परेशानी ज़्यादा हो जाती है, सब उस प्रकार से रह नहीं पाते, सब ऐसा जीवन जी नहीं सकते, सब इतना समय लगा नहीं सकते, सब ऐसा दुख कष्ट सहन नहीं कर सकते। इस कारण से हमारे महापुरुषों ने बड़े आसान मार्ग निकाल दिए कि आप भजन भी करते रहो, सुमरण भी चलता रहे, संसार में भी रहो, भोगते भी रहो, जागते भी रहो और साक्षी भी बन जाओ, और आपकी नाव सब कुछ करते हुए भी किनारे लग जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी भी ना हो और आपका कल्याण हो जाए। इस कारण से हमारे बहुत संतों ने बहुत मार्ग निकाल दिए। तो जब आप संतों के पास पहुंचोगे, आपका सबसे मुख्य उद्देश्य जो है, मुझे जो महसूस होता है जीवों के कष्ट देख करके, परेशानियां देख करके, जीवों के कर्म और दुख और आंसू देख करके जो अनुभव दुख होता है कि कितने जन्मों के दुख कष्ट, वो कर्म जो बीच में आ रहे हैं जिनके कारण ये जीव इतना परेशान है, क्या हालत हो गई है, बहुत बहुत बुरी हालत हो गई है। कर्मों का जो भोग है उसको कमज़ोर किया जा सकता है, बहुत कमज़ोर किया जा सकता है, ताकि आप लोग झेल पाएं, हंसते हंसते उस समय से गुजर जाएं, आपको एहसास हो कि वो परम तत्व भी कोई ताकत है जिसका हाथ पकड़ करके हम कल्याण की ओर जा रहे हैं। आपको अनुभव हो कि हाँ,
कर्म का ये दोष होता है, निष्काम कर्म का ये लाभ होता है और बुरे कर्मों की ये हानि होती है। मन यहाँ फंसता है, जीव यहाँ फंसता है, कितने जाल लगे हुए हैं इस जीव के ऊपर कि जहाँ भी जाएगा गले में फांस डाल दी जाएगी, क्योंकि एक सांस का भी किसी का भरोसा नहीं है। और जब तक कल्याण ना हो जाए, रुकावटें ही रुकावटें हैं। जीव इतना दुखी है, ना कहीं शरण मिलती है, ना बेचारे को रास्ता मिलता है, ना बेचारे का पीछा छूटता है, ना कोई सहारा है, ना कोई वहाँ अपना है, क्योंकि वहाँ जीव अपने कर्मों का जिम्मेवार होता है। और जब कोई मददगार ही ना हो, जीव चीखता पुकारता है और फिर सोचता है कि अब की बार अगर मैं धरती के ऊपर गया, मानव का शरीर मिला, सबसे पहले अपने कल्याण का मार्ग खोजूंगा, यहाँ संसार में रहने के लिए जो हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं, कुछ भी, बड़ा कष्ट होता है जब वो चीज़ें अपने हाथ से जोड़ जोड़ करके इतनी मेहनत से खून पसीने की कमाई करके एक एक रुपया इकट्ठा करके और हम वस्तुएं इकट्ठा करते हैं और फिर वो छोड़ के जानी पड़ती है। अगर किसी की गाड़ी लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कितना क्रोध उत्पन्न होता है, कितना दुख होता है कि अब मैं इसको के साथ ऐसा व्यवहार करतूँ, गाली गलौज के ऊपर उतर आते हैं और भी बहुत तरह के गंदे गंदे व्यवहार होते हैं। एक छोटी सी गाड़ी, छोटी सी क्रोध के लिए, और जब ये सारा सब कुछ छूटता है, उसकी कोई तैयारी नहीं, क्योंकि छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो साथी है आपका जन्म जन्मांतर का, कर्मों का, उस परम तत्व तक का, को आप भूल जाते हैं। गुरु को दरकिनार कर दिया जाता है कि नहीं, फिर देख लेंगे। कुछ जीवों को तो मैं देखता हूं, कई कई वर्षों बाद भटक करके भूल करके आते हैं, वो भी तब जहाँ वो जाए हुए होते हैं वो बोल देता है सामने वाला कि आप किसी संत की शरण में गए थे और वहीं जा करके कल्याण हो पाएगा, हमारे बस से ही आपके काम, आपका जीवन, आपके कष्ट, आपके संकट हमारे से नहीं कट सकते, वही काट पाएंगे, वो समर्थ हैं। फिर भी सवाल उठता है कि अरे वहाँ तो मैं गया था 10 साल पहले, अब ये कैसे हुआ, अब तो बड़ा मुश्किल होगा, मुझे शर्म आती है वहाँ जाने में, झिझक होती है, इतने वर्षों बाद क्या बोलूँगा वहाँ जा करके, और वो तो कुछ भी बोल देंगे, गा देंगे। बहुत परेशान होते हैं वो जीव, लेकिन जब समझ में आएगी उनके कि जो जिसका जीव है वहीं पहुंचेगा, कल्याण वहीं से होगा, और संत आपको रास्ता दिखाने के लिए डांटते हैं, आपको मार्ग पर चलाने के लिए डांटते हैं,
सही दिशा में ले जाने के लिए डांटते फटकारते हैं कि कहीं से कच्चा तो नहीं है, अहंकार कुछ कम हुआ या यहाँ आ करके वो अहंकार और बढ़ गया। क्योंकि बहुत लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं, अहंकार उनका बढ़ जाता है, कम नहीं होता, क्योंकि वो भजन नहीं करते, सुमरण नहीं करते, सार तत्त्व को नहीं जानते, परमात्म तत्त्व को नहीं जानते, आत्म तत्त्व को नहीं जानते, गुरु तत्त्व को नहीं जानते। इस कारण से अहंकार मजबूत होते होते वो अहंकार में छटपटाने लगते, क्योंकि जब अहंकार के ऊपर चोट पड़ती है जीव बुरी तरह से छटपटाता है। और गुरु का तो यही काम है कि जहाँ अहंकार दिखे वहीं जीव को हिला करके देखे कि कैसे रास्ते के ऊपर आएगा, कैसे मार्ग पर चलेगा, इसका कल्याण कैसे होगा, कैसे वहाँ तक इसको लेके जाना है। वो हर समय इसी प्रकार से सोचते हैं कि किसी को हमारे कारण परेशानी ना हो, हमारे जीवों को कष्ट ना हो, सुखमय जीवन कैसे हो, इतना आसान रास्ता कैसे बनाएं कि जीव का कल्याण भी हो जाए और उसको पता भी ना चले।